कब तक आएगी, बहुत टाइम वेस्ट करवाती है। आ गई तुम? हाँ मैं आ तो गई, पर किसी ने देखा ना हो, अगर देख लिया ना पापा मुझे मार देंगे, मुझे नहीं पता आगे मैं क्या करूँगी। तुम पागल हो गया यार, तुम इतना डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हम छुप छुप के मिल रहे हैं तो क्या हो गया, एक ना एक दिन तो हमें एक होना ही है ना। हाँ वो तो है, लेकिन अभी तो एक नहीं हुए ना, और तुम्हें पता है गांव के लोग कैसे हैं, अगर पता चला कि लड़की और लड़का मिल रहे हैं तो सबसे पहले ना लड़की के ऊपर ही बात आती है, और मेरे भाई की क्या इज्जत रह जाएगी, तुम्हें तो पता है ना मेरा कोई नहीं है, मैं छुप छुप के नहीं मिल सकती डेली डेली। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे भाई को संभाल लूंगा, और ये जगह ना इतनी बढ़िया है ना, यहाँ दूर दूर तक तुम्हारे गाँव का कोई भी नहीं आएगा, बहुत मुश्किल से ढूंढी है मैंने ये जगह। पक्का ना? हाँ हम यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट फिर भी एक बार देख लो कोई आना आ रहा हो। अरे कोई नहीं आएगा यार, ट्रस्ट मी, डोंट वरी, चलो चलते हैं। नहीं नहीं अगर कहीं और गए ना किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, यहीं पे बात करते, यहाँ पे पेड़ भी है ना तो दिखेगा नहीं। तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं यार, मेरी वजह से तुम्हें कितनी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, गर्मी में आ रही हो तुम मेरे लिए, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो यार, सीरियसली। हाँ बस भैया शादी के लिए मान जाए, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं। अरे साले को तो मैं मना लूँगा, टेंशन मत लो, है तो मेरा साला ना। रही बात तुम्हारे ताऊजी की, तो उनको भी मना लूँगा, थोड़ी तो मेहनत लगेगी पर इमेज तो बनानी बहुत ज़रूरी है तुम्हारे घर में। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज तुम कुछ काम स्टार्ट कर दो, ऐसे तो नहीं होने वाला ना, और वैसे भी तुम कुछ कर नहीं रहे, और एक भाई कैसे अपनी बहन का रिश्ता किसी ऐसे इंसान को दे दे जो काम नहीं करता, और अगर ये भी मैंने बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वैसे मैं बोल नहीं सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं घर वालों से बोलूँ, रूपा वो मुझे मार देंगे, और गांव के लोग तो और है भड़काने वाले, अगर किसी ने देख भी लिया ना गलती से तो मेरी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। जब मैंने बोला ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों इतनी डरी हुई हो? अरे प्यार करने वाले कभी डरते नहीं है पागल, मैं तेरे साथ सातों जन्म तक हूँ, मैं तुझे शादी के बाद बहुत खुश रखूँगा। तुम्हें पता तो है मेरी घर की कंडीशन क्या चल रही है यार, मम्मी की कितनी तबीयत ख़राब हो गई थी, कैसे मैंने मेहनत करके मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके अपनी माँ के इलाज पे लगाया, और मैं धीरे धीरे सब कर लूँगा ना। देखो मैं जानता हूँ कि जब तक लड़का कुछ काम नहीं करेगा इतने घर वाले एक लड़की का हाथ एक लड़के के हाथ में नहीं देंगे, पर तुम टेंशन मत लो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अपने पैरों पर जब खड़ा हो जाऊँगा ना फिर तुम्हें शादी करके अपने घर लेके आऊँगा, और हाँ तुम्हारे ताऊजी और तुम्हारे भाई को ना मना लूँगा। ठीक है अब मैं चलती हूँ, अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरी खैर नहीं। क्यों जा रही हो यार, इतने टाइम बाद तुम मेरे पास आई हो, तुम्हें इतनी जल्दी क्या जरूरत है जाने की, घर में सब काम करके आई हो ना? हाँ काम तो सारा कर लिया। फिर ताऊजी भी काम पे गए हुए हैं और तुम्हारा भाई भी शाम तक ही आएगा, पता है पास के गांव से ना दोस्त की साइकिल मांग के लेके आया हूँ, साइकिल से चलते हैं ठंडा पानी पीने। नहीं अरे तुम चलो ना पागल, ये क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी नाक कट जाएगी। अरे मेरी इतनी खूबसूरत बीवी है तो मेरी तो मौज हो गई ना, तुम्हारे बाल थोड़े सेट कर देता हूँ, थोड़ा पीछे कर लो अच्छी लगेगी, चले पानी पीने। अरे थोड़ी देर ना ये पे बैठ ले, हवा इतनी अच्छी चल रही है। हाँ रूपा तुम सही कह रही हो, और वैसे भी अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, कोई आएगा भी नहीं। सही कह रहे हो यार, यहाँ पे बैठ बैठते कितनी शांति है ना यहाँ पे। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अरे रामपाल कहाँ जा रहा है तू? वो कुछ नहीं, खेतों से घर जा रहा था। अरे घर बाद में जाना, वो जो तुकोनिया वाला खेत है ना। हाँ वहाँ पे जा, वहाँ तेरी बहन किसी लड़के के साथ गोदछड़े उड़ा रही है। क्या? हाँ मैंने देखा आज ही उसको, हाथ में हाथ पकड़े और वहाँ बैठे हैं पेड़ के पीछे, जो पहाड़ी वाला पेड़ है ना उसके पीछे बैठे हैं। भैया बहुत मेहरबानी होगी, किसी और को मत बताना, मेरी नाक कट जाएगी, मेरी एक ही बहन है और वो लड़के के साथ। भैया सच बोल रहे हो ना आप? मैं सच बोला, मैंने आँखों से देखा है, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया अभी अभी। अगर भाई अगर मैं वहाँ पे अगर बोलता उसको तो लड़की को बुरा लगता भाई। अभी जाके उसको बताता हूँ, माँ बाप के जाने के बाद वो ये सब करने लग गई है, मैं उसे पढ़ने के लिए भेजता हूँ इसीलिए उससे कोई घर का काम नहीं कराता हूँ, घर का काम तक मैं करता हूँ, और आज वो लड़कों के साथ खेत में बैठ रही है, आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देखो जल्दी जाओ और उसका शादी ब्याह का इंतजाम करो, अगर ऐसे चाल चलन दिख रहे हैं तो लड़की के। शादी ब्याह ही करना पड़ेगा उसको, वैसे भी उसकी उम्र हो गई है। हाँ जल्दी जाओ। जैसे लकड़ी टूट गई ना वैसे हम कभी अलग ना हो गया। अच्छा ये कर रही है अब तू, यही सब देखना बाकी रह गया था अब। अरे क्या कमी छोड़ी थी, इस मलिया के लड़के के साथ घूम रही है, इसका बाप दारू पीता है और तू इसके साथ घूम रही है, ये भी दारू पी के मारेगा तुझे। भाई मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, आप क्यों चिल्ला रहे हो यहाँ? चुप हो जा तू, तू मेरी बहन के साथ खेतों में बैठा हुआ है और मैं चिल्लाऊं भी ना, समझ क्या रखा? क्या प्यार करता हूँ? अबे ओ गंदी शक्ल के आदमी,
पढ़ाई लिखाई तेरे से होती नहीं है और अब तू प्यार करेगा है? जाके पढ़ ले, अपने माँ बाप का हाथ बटा ले। पापा तेरा इतनी मेहनत करता है और तू यहाँ बैठ के खेतों में प्यार कर रहा है। अबे अपने माँ बाप का साथ देगा वो नहीं होता, प्यार कर रहा है तू यहाँ पे। और तू तू यहाँ पे इसके साथ तूने एक बार भी घर की नहीं सोची? अरे अगर ताऊ जी को पता चल गया ना, वो तुझे भी उल्टा टांग देगा और मुझे भी। उनको मत बताना भैया प्लीज। यही संस्कार दिए तुझे घर वालों ने? गलती हो गई। मेरी बहन के ना आसपास भी नजर मत आइयो आज के बाद। कुछ काम धंधा करता नहीं है और यहाँ प्यार कर रहा है खेतों में बैठ के। मुझे अगर काम करना होगा ना तो अगर ये मेरे साथ है तो मैं कर लूंगा। हाँ भाई, मैं आपकी बहन से ना बहुत प्यार करता हूँ, मरते दम तक ना मैं इसका साथ निभाऊंगा, कभी इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। भाई एक मौका देके दीजिए ना प्लीज। सब ऐसे ही बोलते हैं, करा दो मेरी और फिर साथ छोड़ देते हैं। जैसे ये तेरा छोड़ देगा, आज तो इसकी बातों में आके अपने घर वालों के खिलाफ जा रही है, ताऊ जी के, मेरे पूरे खानदान के खिलाफ जा रही है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं कर रही मैं। हाँ भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इससे मुझे अलग मत करो, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी जान दे दूंगा। भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ मैं। अगर तू इतना ही प्यार करता है तो कुछ काम कर, कमा के ला, घर वालों का साथ दे। तेरी मम्मी पापा इतने गरीब हैं तुझे पता है ना, और तू यहाँ पे बैठ के आज की लड़ा रहा है। तुझे यहाँ पे अपने माँ बाप का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर जब तेरे माँ बाप आते ना हमारे घर पे, हमारी घर की दहलीज पे इसका हाथ मांगने, तो हमें बहुत अच्छा लगता। इससे ना तू अपने माँ बाप को भी नीचा दिखा रहा है और ये अपने खानदान को तो दिखा ही रही है। ताऊ जी को पता चला ना तो इसे भी नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी नहीं। तुझे तो बहुत अच्छे से पता ही होगा, बताया होगा इसने कि हमारे मम्मी पापा नहीं है, और मम्मी पापा के जाने के बाद जी जान लगा के मेहनत करके मैंने इसको पाला पोसा और बड़ा किया है, और आज ये दिन दिखा रही है। मुझे पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। भाई ये भी तो मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं काम धंधा अपना स्टार्ट कर लूँगा, इसे बहुत खुश रखूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, दिन रात काम करूँगा, पार्ट टाइम काम भी करूँगा। भाई प्लीज समझने की कोशिश करिए भाई। हाँ भैया, एक मौका देख लीजिए आप इसको प्लीज। मैं वो काम नहीं करना चाहता जो बाकी लड़के करते हैं, मैं इसे भगा के नहीं लेके जाऊँगा। मैं सब्र कर लूँगा, लेकिन शादी मैं इसी से करूँगा। मैं तुम्हारी शादी इससे करा सकता हूँ, लेकिन एक ही कंडीशन है जो हर माँ बाप चाहते हैं, कि तुम इसे खुश रखो। हाँ। और खुश रखने के लिए आज के ज़माने में चाहिए पैसा, अच्छी कमाई। तो तुम शहर जाओ और काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, एक घर बनाओ जिसमें तुम इसको रख सकते हो। आज तो तुम्हारे माँ बाप के पास खुद का घर तक नहीं है, टेंट लगा के रहते हैं वो लोग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये सब करने से पहले ना अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। और हाँ, अगर तुम इससे सच्चा प्यार करते हो ना, तो इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि तुम्हारी शादी इससे ही होगी। बस तुम्हें ना इसका साथ कभी नहीं छोड़ना, और अपने प्यार में ना कभी कमी मत आने देना। मेहनत करो, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। चल अब घर।